Assalamualaikum फ़खर आगले, वेलकम टू पेशावर। और इस वक्त हम पेशावर में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। हम आपको मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं, मुख्तलिफ खाबे शाबे जो हैं वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम पेशावर में मौजूद हैं, यहाँ के खाबे शाबे जो हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं। इस वक्त हम कारखानों मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर खाने की बहुत सी वैरायटी है, बहुत सी चीज़ें हैं। हमने सोचा पेशावर आए हुए हैं तो यहाँ का जो रोश है वो ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चला है कि सबसे बेस्ट पेशावर में जो हमें रोस्ट जो है वो मिलता है वो है लाल गफूर रोस्ट वालों का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो है वो रोस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या खास बात है। और फुल जो है ना वो पश्तून माहौल है कि लोग नीचे बैठे हैं, खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। जी तो यहाँ पर जो है ना वो फुल रश लगा हुआ है, छोटा सा पॉइंट है ठीक है, लेकिन लोगों का रश देखकर जो है ना वो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर पीछे जो है वो साथ साथ ऑर्डर लग रहा है, लोग आ रहे हैं खा रहे हैं। यहाँ के ऑनर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या स्पेशलिटी है कि लोग यहाँ पर आते हैं, पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक शुक्र है माशाल्लाह। खूब रश लगा हुआ है, क्या बिक रहा है? ये रोश है नमकीन हमारा, सब्जी है करेला के दाल माशे मशहूर है हमारा। अच्छा रोश सबसे ज्यादा मशहूर है? जी भाई हाँ। अच्छा किस तरह बनाते हैं ये? तो हमारे एक ही अशपज है, वो बनाते हैं, वो 10 बजे छुट्टी कर रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं फिर। अब अच्छा। पता नहीं है किस तरह बनाता है, लेकिन अच्छा। कितने अरसे से ये यहाँ पे दुकान है? करीबन 40-45 साल से हो गई, 40-45 साल से यहाँ पे दुकान मौजूद है और लोग आ रहे हैं, रश लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो रोश बनता है उसके कोई मसाले वगैरह क्या डालता है? कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालता है, कुछ भी नहीं डालता, गोश्त जो है वो सफेद गोश है बिल्कुल। हाँ सही है, नमक वगैरह डालता है? नमक ये और गोश है और कुछ भी नहीं है। सही हो गया। तो यहाँ पे जो है और क्या क्या चीजें आपके पास? हमारे पास दाल माशे करेला के और ये नमकीन जो ये हमारा मशहूर है। देख रहे हैं आप रश जो है ना वो बहुत ज्यादा, लोग गुजर रहे हैं आ रहे हैं, रास्ता बिल्कुल तंग है, यहाँ पे साथ साथ चीजें जो है वो पड़ी हुई है। अच्छा रोस्ट जो है वो किस तरह है प्लेट? 350 का आज कल, 350 का जी भाई। अच्छा ये जो है आपके पास जो है यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं? ये तीन चीजें जो है हमारा मशहूर है, वो सब्जी जात तो चेंज होता है ना, एवरीडे चेंज होता है। और तीन चीजें जो है करेला के माश दाल और नमकीन, ये एवरीडे होता है। अच्छा जी भाई, तो जी ये बताया कि कितने बजे तक ये खुल जाता है सेटअप? तकरीबन 9 बजे खुलता है, रेडी होता है, और ड्राई तकरीबन 3 बजे आखिरी टाइम है हमारा, ये खत्म होता है, 3 बजे खत्म हो जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है सब कुछ। चलें जी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या माहौल है। यहाँ पर आप देखें जी, बिल्कुल छोटी सी जो है ना वो इन्होंने लगाया हुआ है सेटअप वगैरह, लोग आ रहे हैं पसंद कर रहे हैं, रोश यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आइए अंदर चलते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। आज जी तो यहाँ से जो है अंदर आते हैं तो एक बहुत बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रोस्ट जो है ज़्यादातर लोग जो है वो खा रहे हैं, इनका पसंद भी किया जाता है। लोगों से जानते हैं कब से खा रहे हैं, कैसा जायका है। यहाँ पर जो है ना एक हाजी साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, वो रोस्ट ही खा रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कब से खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कब से खा रहे हैं यहाँ का रोस्ट, कैसा जायका है? बहुत ज़बरदस्त है जी। अच्छा यहाँ पे जो है बहुत सी जगहों से मिलता है, यहाँ पे क्या खास बात? इसका जायका बहुत अच्छा है जी। क्या डालते हैं अंदर ऐसा? ये उसका प्यार डालते हैं, प्यार प्यार का जायका आता है। हाँ जी हाँ, लोग बहुत अच्छा है जी। कब से खा रहे हैं आप? हम तो हफ्ते में एक बार आते हैं। मैं तकरीबन 15 साल से ये कर रहा हूँ। 15 साल से? सब जरा हमसे जूनियर है, तो इसलिए जब दोस्त गैदरिंग करते हैं हमारे अपने इलाके में जमरोद में, ये भी तकरीबन जमरोद ही का इलाका है, वजीर डान इसको कहते हैं, तो ये जो लाल चपूर का जो मुझे सबसे अच्छा जो खूबी है वो ये है कि ये मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर आपको एक प्लेट मिल जाए ना तो तकरीबन
300 पर मिलता है। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आपने मुकम्मल तौर से उस नहीं गया तो फिर दूसरी बार आपको ऊपर दे देते हैं। हाँ, ऊपर देते फ्री दे देते हैं। अच्छा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो खूबी है सर्विस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सर्विस है और जायकी तो ऐसी भी है। जमशेद साहब ने आपसे कहा है कि बहुत आला जायके, इस जैसा जायका हमने पूरे इलाके में नहीं देखा है। जी तो यहाँ पर जो है अब हम रोस्ट जो है वो ट्राई करने लगे हैं। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं और यहाँ का एक माहौल है, कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का। जितने भी ये कबायली इलाके हैं, ये पख्तून जो है उनका यही होता है कि इसी तरह हॉल्स में जो है वो बैठे होते हैं, नीचे जो है वो कारपेट बिछा है, यहाँ पर दस्तरखान लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो रोस्ट आ गया है। इसमें आलू है और इसका मज़े की बात यह है कोई मसाले मसूले रोस्ट में नहीं डलते। इसको जो है वो चर्बी के अंदर जो है ना वो बनाया जाता है, चर्बी जो है वो उसमें ही बनता है, उसको कई घंटे जो है वो पकाया जाता है और उसकी जो है ना ये बहुत मज़ेदार किस्म की यखनी शखनी जो है वो बनी है। और ये देखें भाईजान, यहाँ पे जो है ना ये ठंडी ठार किस्म की लस्सी है। मैं कहता हूँ कि पहले लस्सी का ज़रा एक ठंडा सिप हो जाए। इस गर्मी में इसका कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है 50 रुपये है लेकिन ये 50 बहुत मज़ा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो रोस्ट हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। ओहो ये आप चेक करें ज़रा, उन्होंने स्पेशल जो है ना एक भिजवाया है, इसमें जो है ना सही किस्म की ये, मैं इसको देख के मेरा दिल कर रहा है इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे ही कर दें। आप देखें जी ये नली, ओहो क्या जालिम किस्म का है। हाँ हाँ ये देख रहे हैं आप भाई जान, फुल हैवी सीन्स हैं। Let's try. Oh, yeah. भी आ गया। वाह फुल जो है ना अब नरम बोटी। अंदर जो है ना उसके फल जो है ना वो मिक्स भी है। ये प्लेट आपको यहाँ पे जो है ना वो 350 रुपये मिल जाती है। भाईजान गोश्त का फुल फ्लेवर है, कोई मसाले कोई कुछ नहीं है। आप खुद देख सकते हैं ये बोटी जो है ना कैसे रेशे रेशे अलग हो गए, कमाल है भाईजान। यहाँ पे जो है ना मीट गोश्त जो है वो ज़्यादा खाया जाता है, यहाँ के लोग जो है ना यही पसंद करते हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको गोश्त से बनी हुई चीज़ें जो है नज़र आएंगी। मसाले बिल्कुल कम होते हैं, नमक वगैरह जो है वो डाला जाता है और उसको जो है वो चर्बी के अंदर ही बनाते हैं, कोई ऑयल वगैरह उतना से नहीं डालते, वही मेल्ट होके ऑयल बन के जो है ना उसका टेस्ट दुबाला कर देती है। 350 रुपये में आपको यहाँ मिल जाता है। लोग तो रोज़ाना भी आ रहे हैं और बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी यहाँ का जो है ना ये रोस्ट ट्राई करते हैं, जो कि ज़बरदस्त है भाईजान। ये जो है ना नीचे जो हमारे इंटरनेशनल व्यूज हैं उनके लिए बता दें कि अगर आप यहाँ पर आकर ये रोस्ट एंजॉय करना चाहते हैं साथ लस्सी पीना चाहते हैं तो $2 में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कमाल की चीज़ है। कावा भी आ गया और यहाँ पे हर डिश के साथ जो है ना वो कावा लाजमी है, क्योंकि कावा जो है ना वो इतना सब कुछ खाने के बाद जो सारी चीज़ें जो है ना उसको हज़म भी कर देता है, आपका ज़रा सिस्टम जो है ना वो सही रहता है। तो क्या कमाल किस्म का जो है ये रोस्ट बना हुआ है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया भाई जान। ओहो
यार बूटी इतनी नरम है कि वो वाकई जो है ना अच्छी तरह बनकर सॉफ्ट हो चुकी है और आपके मुंह में जाते साथ ही वो बिल्कुल रुई की तरह जो है ना वो घुल सी जाती है और तुम्हारा कावा भी साथ ट्राई कर लेते हैं। कावा आगे फुल गर्मा गर्म कावा है। बहुत गर्म है, अभी जुबान जलते जलते बच गई है। क्या बात है, कावा जो है ना वो बहुत जरूरी है जब भी आप ऐसी कोई चीज खाएं, क्योंकि कावा जो है ना वो हजम कर देता है सारी चीजों को। तो अभी जो है वो हम रोश खा रहे हैं, उसके बाद कावा जो है वो पीते हैं और बाहर चलते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या गहमा गहमी है। आप यहाँ पर आएँ तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खाने को मिल सकती हैं। तो अभी ज़रा इसके साथ हाथ साफ करते हैं। जी तो हमने जो है वो रोज़ खाया जो कि बहुत ही मज़ेदार था, और उसके बाद हमने कहा पेशावर आए हुए हैं तो यहाँ का जो काबली पुलाव जो काफ़ी फेमस भी है वो भी हम ट्राई करते हैं। तो हमें पता चला है कि बाबा वली के नाम से यहाँ पर एक दुकान मौजूद है जो बहुत फेमस है। अच्छा यहाँ पे उसके नाम से बहुत सी दुकानें बन गई हैं, जो असली वाला है ना वो आपको खालिद प्लाज़ा में मिलेगा। और खालिद प्लाज़ा में हम आ चुके हैं, बिल्कुल ऊपर जो है दुकान है। आइए चलते हैं और वहाँ जाके आपको बताते हैं कि वहाँ सीन्स क्या हैं, किस तरह की गहमा गहमी है, और पुलाव भी खाते हैं। आ जाएँ जी। तो मशहूर पेशावर के जो हैं बाबा वली के काबली पुलाव यहाँ पर जो है वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे ये भाई हमारे साथ हैं जो तैयार करते हैं, लेकिन मसला वही कि यहाँ के लोगों को जो है ना वो बहुत से लोगों को उर्दू जो है वो नहीं आती, और यहाँ पर जो है इन्होंने एक बड़ा सा पतीला बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो गोश्त चावल वगैरह जो है वो तैयार किए जाते हैं, डाले जाते हैं, और यहाँ से जो है वो प्लेटों में डाल डाल के बाहर जो लोग आ रहे हैं उनको सर्व किया जा रहा है। लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत रश लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना पीछे जो है वो पतीले के अंदर गाजरें मेवे और सारी चीज़ें जो हैं वो डलती हैं, और पूरी जो एक प्लेट तैयार होती है। भाई को जो हम कहते हैं कि एक प्लेट जो है वो तैयार करें ताकि हमें पता लगे कि क्या साइज़ है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो काबली पुलाव में जो है वो डलती है। उर्दू समझ लेते हैं हल्की हल्की, तो हम ज़रा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जी ज़रा एक प्लेट जो है ना काबली पुलाव की तैयार करें और हमें दिखाएं ज़रा क्या क्या उसमें डलता है। साथ साथ ऑर्डर भी आ रहे हैं तो वो भी लगा रहे हैं। यहाँ पे भी जो है वो एक प्लेट जो है वो तैयार की जाएगी और फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये अंदर जो है ना वो बोटियाँ सही बीफ की जो है वो अंदर मौजूद हैं, चावल वगैरह यहाँ से जो है ना निकाली जाती हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाबा वली के नाम से दुकानें मौजूद हैं, असली जो है ना वो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं, तो इसलिए ज़रा हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारी जो है ना ख़त्म भी हो रही है, लेकिन किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमें मिल गए हैं। तो हमने ये सोचा कि हम पेशावर आए हुए हैं तो लाजमी जो है ना वो ट्राई करेंगे। ये जो है इन्होंने चावल डाले हैं और ये गाजरें मेवे जो हैं वो आ गए हैं, और ये हमारा जो है वो मीट का पीस जो है ना वो आ रहा है, फुल जूसी लग रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट। ओहो क्या बात है जी, ज़बरदस्त। रेडी है, तैयार है? बिल्कुल जी तैयार हो गया। क्या ज़बरदस्त जो है ना वो प्लेट ये तैयार हो, क्या बात है जी, फुल हैवी किस्म की प्लेट है और ये आराम से बंदा जो है ना इजीली खा सकता है। क्या प्राइस है इसकी, कीमत कितनी है? कीमत 600 है। 600 रुपये कीमत है इसकी। और मुझे ये बताएं कि कितनी देर पहले ये शुरू करते हैं तैयारी वगैरह इसकी? 12 बजे। 12 बजे रात के या सुबह? नहीं सुबह की नहीं, सुबह 12 बजे। अच्छा पेशावर में बहुत जगह से मिलते हैं काबली पुलाव, क्या इसमें ऐसा है, क्या मुनफरिद है कि लोगों को पसंद आ रहा है इतना? उसमें गोश्त ज्यादा है। अच्छा गोश्त ज्यादा है, गोश्त ज्यादा डालता है इसलिए पसंद आता है। और क्या क्या ऐसी स्पेशल चीजें? बस सिर्फ मेवा है, गाजर है और मसाला है बस। अच्छा अच्छा यहाँ पे हमने देखा है बाबा वली के नाम से बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, ये इसको कितना अच्छा हो गया यहाँ? सिर्फ एक बाबा वली होटल है सिर्फ कारखानो मार्केट में, और दूसरा नहीं है, बाकी जो है वो नकली है, वो सब नकली है। खालिद प्लाजे वाला जो है वो जमरोद रोड पेशावर कारखानो मार्केट खालिद प्लाजा बाबा वली होटल। सही सही सही। अच्छा ये कितनी किलो होगी यहाँ पे चावल? ये 100 किलो की है। 100 किलो की है और इसी के अंदर बनती है सारी? सारी अंदर बनती है, यहाँ पे बनती है सारी। और मसाले क्या क्या डलते हैं इसमें?
मसाला है, गरम मसाला है, सिर्फ गरम मसाला डालता है। चलें जी, सारा इन्होंने जो है वो बता भी दिया भाई को, जो है ना वो उर्दू थोड़ी बहुत जो है वो आती है, तो हमने इनसे फिर भी जो है ना वो पता लगवा लिया कि किस तरह से जो है वो बनता है। आइए बाहर चलते हैं, लोग खा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और आपको खा के बताते हैं। हमने कहा था लाजमी जो है ना वो ट्राई हमने मस्ट करना है, तो आइए मेरे साथ। जी मुझे बताएं कब से खा रहे हैं यहाँ के काफी ब्लॉग, कैसा जायका है और क्या चीज जो है जायके में मुनफरिद है? इनका तो हम तो बहुत अरसे से आते हैं इधर खाते हैं, इनका खास कर ये जो गोश्त पकाते हैं ना तो बस अलग ही मज़ा है, और साथ में चावल तो वैसे भी इनका इतना मशहूर है, तो जायका इनका बहुत अच्छा इसलिए आता है काफ़ी अरसे से। हम गुजरांवाला से आए हैं और बहुत अच्छा जायका हमने सुना था इसके बारे में काफ़ी, तो आज हम आए और वाकई जितना सुना था ना उतना मज़ेदार भी है, और हम ये चौथी प्लेट लगवा बैठे हैं, उठने का दिल नहीं कर रहा हमारा। जी तो चावल जो हैं वो हमने अपने लिए ले लिए हैं, यहाँ पर बैठते हैं खाते हैं, यहाँ पर रश लगा हुआ है, लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जो इतनी काबली पुलाव की हमने धूम सुनी है और कहते हैं कि सबसे बेस्ट पेशावर का है, तो क्या जायका है, आइए देखते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं। जी तो काबली पुलाव जो है वो आ चुके हैं, अब हम ट्राई करते हैं, और काफ़ी मशहूर भी है यहाँ का बाबा वली का, और यहाँ पे कहते हैं कि सबसे बेस्ट काबली पुलाव यहाँ पर मिलता है। पूरी बाजार में दो से तीन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं जो इसी नाम से हैं, और लेकिन असली वाला जो है वो आपको खालिद प्लाजा में मिलेगा। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ओनर भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी चिट चैट भी करते हैं, खाते हैं, वो खुद जो है वो खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम जरा पहले उनसे थोड़ी सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेहरबानी, आप क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे बताएं कितनी पुरानी ये दुकान है? ये 30 साल से पुरानी है। 30 साल पुरानी है, माशाल्लाह जी 30 साल हो गए। तो किसने शुरू किया था? वालिद साहब? वालिद साहब ने शुरू किया। अच्छा, पेशावर में काबली पुलाव बहुत सी जगहों से मिलता है, इधर क्या खास बात है, क्या ऐसा जायका है कि लोगों को पसंद आ रहा है? बस ये सब लोग सब कुछ वो उसे बोलते हैं, लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल, लोगों को पसंद आता है, इधर आएगा बहुत दूर जगह से। अच्छा, दूर दूर से आते हैं? दूर आते हैं। सही सही, आपके वालिद साहब की अपनी रेसिपी है, वो खुद तैयार करते थे पहले? नहीं, वो हमारा दूसरा शरीक हो वो बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना लोग आते हैं वो जरा उनको मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत से नाम से यहाँ बन चुका है, तो असली वाला यही है? असली वाला ये खालिद प्लाजा, खालिद मार्केट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो डली हुई है? वो बीफ है, राइस है, वो गाजर है, बस यही चीज है, ये चीज है। कितने की प्लेट एक मिल रही है? एक प्लेट एक बंदे के लिए 600। ये एक बंदे खाते हैं? एक बंदे के 600 रुपए में आपको ये जो है वो प्लेट मिल जाती है। और भाई जो है ना इनको भी जरा थोड़ी उर्दू जो है वो नहीं आती, तो हमने हल्की फुल्की जो है ना जितनी इनको समझ आती है उतनी हमने इनसे बातचीत की है, तो मेरे ख्याल से हम ट्राई भी करते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारे सामने ही है, भाई भी हमें कंपनी दे रहे हैं, खाएं आप भी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पेशावर आते और काबली पुलाव ना खाते। ओहो, ये आप देखें क्या मज़ेदार किस्म का गोश्त। फुल जो है ना गोश्त जो है ना नरम जूसी टेंडर जो है ना, ये आप देख रहे हैं क्या टूट रहा है यार। मैंने कहा यार हाथ से खाते हैं, जो यहाँ का सही कल्चर है हाथ से खाने का, एक अपना अलग ही मजा है। ये साथ टमाटर की जो है वो चटनी भी मिलती है, ये जरा थोड़ी सी ऊपर हम डालते हैं। ओहो हो, भाईजान क्या मज़ेदार किस्म का जो है ना काबली पुलाव है, अंदर मेवे डले हुए हैं, गाजरें जो है ना वो फुल जो है ना गोश्त मीठा मेवों की वजह से जो फ्लेवर जो आता है ना वो मीट का और
जबरदस्त किस्म का। ठंडी ठाक बोतल भी आ गई है। तो भाई यहाँ के लोग जो है ना वो सही, जिसे कहा जाए ना गोश्त खो रहे हैं, हर चीज़ के अंदर जो है ना गोश्त ही आपको नजर आएगा। जहाँ पर भी आप चले जाएँ, कोई भी डिश देखें तो गोश्त जो है ना यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। कटे का गोश्त, बीफ जो होता है वो यहाँ पे जो है वो पसंद किया जाता है। यार वाकई में ये जो गोश्त है ना कमाल का है, सॉफ्ट किस्म का। ये आप देखें मीट की क्वांटिटी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और ये देखें ये यूँ टूटता है, ये इतना नरम है, ये ओहो भाई जान कमाल का पुलाव है। कमाल ये आपको यहाँ पे डिश जो है ना वो 600 रुपए में मिल जाती है, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो अगर यहाँ पे आकर खाना चाहें तो ये आपको अराउंड $3 में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, काफ़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। मैं कहता हूँ वाकई यार मैंने बहुत ही जगहों से काबुली पुलाव खाया है, लेकिन यहाँ का काबुली पुलाव जो है वो नेक्स्ट लेवल है, कमाल की चीज़ है। चावल की क्वांटिटी जो है ना वो भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे जितना भी मटन वगैरह जो है बनाया जाता है उसके अंदर जो उसकी चर्बी होती है ना वही इस्तेमाल की जाती है, घी ऑयल वगैरह तुरंत से नहीं डाला जाता, वही मेल्ट होके जो है ना वो उसका फ्लेवर और सारा उसे टेंडर जो सारा जूसी जो है ना वो यही चीज़ है उसे करती है। और ये कमाल है यार, चलें जी मैं ये खाता हूँ और आगे जो है ना एक और चीज़ स्पेशल आपने वेट कर रही है, क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये हैवी है, अभी इसको खाते हैं और आपसे जो है ना नेक्स्ट डे से मिलते हैं। रोश और काबली पुलाव जो है वो ट्राई किया, दोनों चीज़ें बहुत ही कमाल थी। और अब यहाँ पर जो है वो हमें एक आइसक्रीम नज़र आई है, अफगानी सीख या किसे कहा जाता है, और किस तरह से बनती है आइए आपको दिखाते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत डिफरेंट सी चीज़ है, बहुत मज़ेदार तरीका है इसको बनाने का, आएँ ज़रा मेरे साथ। जी तो यहाँ पर जो है वो आइसक्रीम जो है वो तैयार हो रही है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से बनती है और क्या रेसिपी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये कौन सी आइसक्रीम है, किस तरह बनती है? ये अफगान आइसक्रीम है, दूध से बनती है। दूध से बनती है, क्या तरीका है, किस तरह करके बनाते हैं? ये कुल ये इसमें दूध डालते हैं, दूध फिर इधर नमक डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं, उससे तैयार होता है। अच्छा, ये इन्होंने एक कंटेनर से रखा हुआ है और इसके चारों तरफ जो है वो बर्फ़ है, अंदर जो है वो दूध डालते हैं, इसको घुमाते हैं अच्छी तरह से और फिर जो है उसके साइडों पे जो है ना वो उसको आइसक्रीम जो है वो लगती है, वो जम जाती है। क्या क्या चीज़ें डलती हैं इसमें? इसमें दूध में, हाँ दूध में इलायची है, चीनी है, इलायची है, चीनी है, बस यही चीज़। सही सही। और ये कितने का मिलता है? एक ये 150 रुपये। 150 रुपये में भी ये तैयार हो गया? तैयार हो रहा है। चलें जी तैयार करें इसे, हमें दिखाएं जरा किस तरह से जो है वो तैयार होता है। अभी आप देखेंगे ये किस तरह से घुमाते हैं इसे और जो है ना बहुत ही मज़ेदार तरीका है इसको बनाने का। और उसको नीचे से जो है ना वो साइडों पे लगाते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमाते हैं, बर्फ़ से ठंडी ठार कूलिंग जो है वो उसके साइडों पे हो जाती है, फिर वो जो है उसको नीचे लगाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसको तैयार किया जा रहा है। इनसे भी हम बात करते हैं। जी कितनी देर में जो है ये आइसक्रीम तैयार हो जाती है? जी 15 मिनट 20 मिनट तक। 15-20 मिनट में तैयार हो जाती है। और इसमें जो है वो दूध डलता है? सिर्फ दूध है, बस इलायची है, दूध और इलायची है और चीनी है, इसमें एक ही फ्लेवर होता है, एक फ्लेवर मिल्क फ्लेवर। अच्छा ये अफगानिस्तान में लोग खाते हैं? अफगानिस्तान की मशहूर आइसक्रीम है। अच्छा जी अफगानिस्तान की मशहूर आइसक्रीम है, वहाँ पे लोग खाते हैं और वहाँ से जो है ना यहाँ पर आई है। और ये जो आपने सामने सेवियाँ वगैरह रखी हैं ये आइसक्रीम पे डलती हैं? जी सेवियाँ है, सेवियाँ दूध है, मलई कहते हैं, ये भी शहद है। अच्छा
उसमें जो है शहद दूध वगैरह की टॉपिंग की जाती है, बादाम है, ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह जो है ना ऊपर डलता है, बहुत ही मजे का सीन होता है। तो यहाँ पे अभी जो है ना वो हम लेते हैं और खाते हैं जरा अभी जल्दी से जैसे ही बनता है, और मैं आपको खा के बताता हूँ कैसी आइसक्रीम है ये। जी तो यहाँ पर जो है वो आइसक्रीम तैयार हो गई है, 15 से 20 मिनट उसे लगते हैं अच्छी तरह जो है ना उसको साइडों पे लगाते हैं, घुमाते हैं बर्फ के साथ, और अभी जो है ना वो निकालेंगे और मीनार सा बनता है और कहते हैं मीनार पाकिस्तान बन गए। और ये अभी जो है भाई हमें निकाल के दिखाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो सेवियाँ डलती हैं, उसके बाद ऊपर आइसक्रीम आ गई, आइसक्रीम डालते हैं। अच्छा आइसक्रीम आ गई, ये शहद डला। अभी मीनार पाकिस्तान की तमीर जो है वो शुरू हो चुकी है, ये ऊपर दूध और क्रीम सी जो है वो डाल रहे हैं। ओहो हो क्या बात है, ये आपको 150 रुपये में जो है ना वो मिल जाता है। हाँ जी क्या बात है जी, ये हो गई तैयार। हाँ तैयार। ये आप देखें जी मीनार पाकिस्तान जो है वो बन गया है, और इसको कहते हैं अफगानी सीख या ऐसे ही है, क्या कहते हैं अफगानी स्क्रीम, शिरिया शीरिया, शीरिया अफगानी में बोलता है शीरिया, शीरिया अच्छा अफगानी में इसे कहते हैं। चलें जी ये आइसक्रीम जो है वो बन गई, हम जरा इसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। जी तो ये जो है इन्होंने बादामों वगैरह की टॉपिंग जो है वो ऊपर कर दी, और ये देख रहे हैं आप फुल मीनार पाकिस्तान जो है वो बन चुका है, क्या जबरदस्त लग रहा है। ट्राई करते हैं एक बहुत ही डिफरेंट, ये मीनार पाकिस्तान गिरने लगा था अभी। वाह ठंडी ठार, यार ठंडी ठार मजेदार किस्म की आइसक्रीम है। बहुत ठंडी ठार और मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम, जैसे नॉर्मली आइसक्रीम का टेस्ट होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह से उसको जो है वो कंटेनर में रखते हैं, उसके साइडों पे पूरी बर्फ़ है और उसको गोल गोल जो है वो घुमाते रहते हैं, और यार बाकी काफ़ी मज़े की है। 15 से 20 मिनट में आपके सामने जो है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है ना जगह जगह पर इसके भी स्टॉल जो है वो नज़र आते हैं, लोग खाते हैं इंजॉय करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको बहुत सी डिफरेंट सी चीज़ें जो हैं वो दिखा दी हैं। सबसे पहले हमने आपको रोस्ट यहाँ का जो है वो ट्राई किया, उसके बाद हमने वली बाबा का जो काबली पुलाव था वो ट्राई किया, और अभी जो है ये अफगानी आइसक्रीम जो है वो ट्राई की है जो कि लाजवाब है। तो आप लोग ज़रूर पेशावर आएँ, यहाँ पर आके ये ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम है। ये देखें जी आइसक्रीम किस तरह से तैयार हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।